नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का जो चौथा क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप लोग उसे पढ़िएगा, आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा होगा। इसमें दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा, कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक हमारा पास दिया गया है, एपी सीरीज दी गई है, ठीक है, तो इसके लिए कितने पद लगेंगे, ठीक है, मतलब एन का मान हमें सीधे सीधे यहाँ पे निकालना है, ठीक है। चलिए कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा। पहले सीरीज देख लेते हैं, सीरीज है 9, 17, ठीक है, 25, ये सीरीज हमारे पास दी गई है, ठीक है। और बोला गया है कि हमें इसका योग मतलब सम जो फाइंड आउट करना है, सम हमें दिया गया है, हमें यहाँ पे सम दिया गया है, सम को क्या बोलते हैं, SN बोलते हैं, ठीक है। SN क्या दिया गया है, 636 दिया गया है, 636 है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला किसका लगाएंगे, SN का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। और हमें N फाइंड आउट करना है, इसमें बोला गया है कि कितने पद लगेंगे, कितने टर्म्स लगेंगे, तो हमें N फाइंड आउट करना है, ठीक है। N बाई 2 फॉर्मूला लगाते हैं, 2A प्लस L वाला लगाएंगे या फिर 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगाएंगे, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता है, ये सम है। यहाँ पे कुछ बच्चे इसको ऐसे करते करते 636 लिख देंगे, ये 636 नहीं है बेटा, लास्ट टर्म नहीं दिया गया है, ये पूरे योग दिया गया है, योग मतलब सम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे an का मान ये मत कर दीजिएगा, गलती यहीं पे बच्चे करते हैं, n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है, sn का मान यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना है, 636 है, एन बाई 2 लिख देता हूँ, 2 इंटू ए, ए का मान कितना है, 9 हो गया, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है, डी का मान हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म कभी मत करिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, 17 में से 9 चला जाएगा तो 7 × 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लस और माइनस की गलती हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डी हमेशा सावधानी से निकाला करिए। ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 12, 12 का 2 हासिला 1, 3, 6 × 12, 12 का 2 हासिला 1, 3 × 6 = 7, 6 × 12, ठीक, बराबर n, 9 × 18 प्लस ये 8n - 8, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। इसको अंदर ही सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो 8n माइनस यहां पे ये इससे घटेगा तो यहां हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये 1272 हो जाएगा, 1272 को इधर लेके चले जाइए तो कितना हो जाएगा, 10n प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 8n स्क्वायर माइनस 1272 हो जाएगा, ठीक है, यही चीज आ रही होगी, मैं 1272 को इधर लेके चला गया। अब आगे क्या करता हूं मैं, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 10n, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272, ठीक है, ये हो गया। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए अगर आप इसको जो है बेसिकली एलिमिनेशन मेथड से तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे किससे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फैक्टर विधि जो है हमारी वो नहीं लग पाएगी, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लग पाएगा, लगेगा लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सीधे हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, जो धराचार फॉर्मूला है, धराचार जो सूत्र था, धराचार सूत्र या धराचार फॉर्मूला, ठीक है, धराचार फॉर्मूला जो है वो हम लोग रख देते हैं और हमारा आंसर निकल आएगा। तो धराचार फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में रखिए और आंसर निकालिए। चलिए यहां हो जाएगा माइनस बी, कितना है, बी है 10, ठीक है, देखिए बी ए और सी जब भी यहां लिखेंगे तो जो साइन लगा होगा इसके साथ वो साइन जरूर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहां पे प्लस माइनस ऐसे उतार देते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस
फोर इंटू ए कितना है, ए यहाँ पे आठ दिया गया है तो ए आठ लिख दीजिए, और सी कितना है, मैंने हमेशा बताया था कि साइन के साथ लेंगे तो सी हो जाएगा माइनस 1272, सी कितना हो जाएगा माइनस 1272 लिखिएगा, ठीक है। और टू इंटू ए कितना है, ए हो जाएगा हमारा आठ है, आठ है ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए माइनस 10 ठीक है, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है, और इसको जब गुणा करिएगा तो मैं गुणा करके कुछ सीधे सीधे लिख देता हूँ इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके, इसको इस चीज़ को मैं पूरा सॉल्व करके लिख देता हूँ, इस चीज़ को मैं पूरा सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ, आ जाएगा आपका 10201 ठीक है, ये आ जाएगा 10201 आ जाएगा ठीक है। और 8 × 16 यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है ठीक है, और इसको जरा सॉल्व करिएगा देखिएगा कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ इस चीज़ को, मैं 2 से ये पूरी क्वेश्चन को ना इसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ और इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 4n2। चलिए मैं आप लोग कर लीजिएगा ठीक है, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे सीधे आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस 5 और कितना आ जाएगा प्लस 101 ठीक है। मैं यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिख देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का प्लस 12 ठीक है, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो एक प्लस 12 हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 12 ठीक है। मैं इस पूरी कैलकुलेशन को आप लोग खुद करिएगा ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने के पर्पज से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का 12 आ जाएगा ठीक है, करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा। चलिए पांचवे क्वेश्चन पे चलते हैं और पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है, आराम से निकाल लोगे, फिर भी मैं कराता हूं उस क्वेश्चन को क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म मतलब होता है ए बराबर 5 दिया गया, प्रथम पद दिया गया है तो ए बराबर 5 हो जाएगा ठीक है। अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद को ए एन बोलिए या फिर एल बोल लीजिए, बात एक ही है, कितना हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है 45 ठीक है। दूसरी चीज हमसे पूछा गया है, मतलब दिया गया है एस एन बराबर कितना है 400 है ठीक है, तो पदों की संख्या n बराबर हमें फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस जैसे सार्व अंतर बोलते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग यहाँ पे sn का, sn बराबर कितना हो जाएगा, देखिए n और d हमें फाइंड आउट करना है तो एक बार हम लोग an का फॉर्मूला लेके चलते हैं यहाँ पे ठीक है, तो n by 2 a plus an ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं, तो यहाँ से हमें n फाइंड आउट हो जाएगा। Sn बराबर कितना हो जाएगा 400 बराबर n कितना है, n तो नहीं फाइंड आउट है, n ही फाइंड आउट करना है भाई हमें, ये 5 प्लस 45 ठीक है, कितना हो जाएगा n by 2 50 हो जाएगा ठीक है 400, तो ये 2 एक कम 2 25 ठीक है, तो 25 को काटिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 15 बचा 150, तो 25 छका n बराबर 16 आ जाएगा ठीक है, n बराबर 16 आ रहा है ना आप लोगों का ठीक है, n बराबर 16 आ जाएगा। और फिर d यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, d कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब a पता है n पता है तो d भी फाइंड आउट कर लेंगे, a n का फॉर्मूला लगा के a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यह फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ठीक है, 5 प्लस n माइनस n पता चल गया ना 16, 16 माइनस 1 d, ये इधर आ जाएगा तो 40 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 15 इंटू डी ठीक है, और यही कुछ होगा ना, यही होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा ठीक है, सही आ रहा है, तो 8/5 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर ठीक है।
अरे कैसे आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 8, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15 और 5 8 40, 8 बाई 3 आ जाएगा, सॉरी 8 बाई 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया है। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक कोई ना हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आप लोग बेटा कभी भी कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करिएगा, हमेशा हाथ से करने की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं और मैं बता देता हूँ कि 10 क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक यही आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग 11, 12, 13, 14 करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो 11, 12, 13 और 14, ये 4 क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन 10 तक के क्वेश्चन सिर्फ ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों में होगा। किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17 एंड 350। ठीक है, सीधे सीधे दिया गया है, ए बराबर हमें दिया गया 17 दिया गया है और ए एन बराबर दिया गया है 350 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, सार अंतर हमें दिया गया है, डी बराबर कितना गया है 9 दिया गया है। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर 3 एंड दैट व्हाट इज देयर सम। ठीक है, इसमें दिया गया है इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक है, इनमें क्या कहते हैं पद कितने हैं और इनका SN पूछा गया है, SN कितना होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, निकाल लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं N निकालने की, तो N निकालते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यहां से N निकल जाएगा हमारा 350, बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, N माइनस 1, N निकालना है, N माइनस 1, D 9 दिया गया। ठीक है, तो यहां पे 17 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 और 3। ठीक है, बराबर N माइनस 1 यहां पे इंटू 9, 9 को उधर लेके चले जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 1 1 1। ठीक है, फिर कटेगा, फिर देखिए काटिएगा, 3 1 3 और यहां 37 आ जाएगा। ठीक है, काटिएगा 37 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 37 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 37 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 38 आ जाएगा, n बराबर 38 आ जाएगा। यहां से हम लोग SN फिर फाइंड आउट कर लेंगे, SN का फॉर्म लगाएंगे n बाई 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि हमें ए एन सीधे दिया गया है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लग दे रहे हैं। ये आ जाएगा 38, 38 बाई 2, ए कितना है 17 है प्लस ए एन कितना है 350 है भाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 19 आ जाएगा, यहाँ 19 और यहाँ पे 7 6 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, मैं सीधे सीधे आंसर आपको लिख देता हूँ। ठीक है, 19 × 367 आ जाएगा 6973। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन जो भी कैलकुलेशन है वो आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कराने हैं और आप लोगों का कोर्स भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत आसान है क्योंकि मैंने अब तक बच्चों आप लोगों को जितना पढ़ा दिया है सेम उसी तरह करना है। कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि आप लोग कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सुधार सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है कि जो है उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी जो है बराबर 7 है और 22 पद जो है 149 है। ठीक है, तो इसमें हमें पास कुछ चीजें दी गई हैं, सातवां क्वेश्चन करते हैं। और सातवें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, तो पहले डी बराबर 7 दिया गया है, जो सार अंतर है कॉमन डिफरेंस है वो दिया गया है। और इसमें हमें दिया गया है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब हमें S22 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और हमें एक चीज दी गई है, ये A22 दिया गया है। ठीक है, 149 है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अच्छा समझ रहे होंगे ये सर क्या चीजें दी गई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि SN क्या होता है, SN होता है N पदों का योग, N पदों का योग होता है। ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ
सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, एन टर्म्स कहते हैं। ये जो एन होता है ना, यही डिफाइन करता है कि एन पदों का योग। अगर मैं S22 बोल रहा हूं तो इसका मतलब हुआ एन बराबर 22 दिया गया है। क्या दिया गया है? एन बराबर 22 दिया गया है, और हमें फाइंड आउट करना है कि 22 टर्म का जो है वो सम ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे A22 दिया गया है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ AN क्या होता है, तो आप बोलते हो AN सर होता है लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है, या बोलते हो आखिरी पद होता है, यही बोलते हो ना आप लोग, आखिरी पद होता है। तो यहाँ पे जो N है वो 22 है, A22 दिया गया ना, मतलब 22 पद हैं, और 22 पदों में जो सबसे आखिरी पद है वो कितना है, A22 है, बस यही मतलब है इस चीज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज को मैंने आपको समझा दिया है कि क्या चीज होती है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज दी गई है, जानते क्या दिया गया, एन बराबर दिया गया है, यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है, इसका मतलब एन बराबर 22 दिया गया है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे ए हमें नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, तो पहले ए जरूर निकालिएगा। ए अगर नहीं निकाल रहे, चलिए आप कह रहे हो ना S22 सीधे निकाल लेते हैं, आप जरा S22 निकालिए, अभी पता चल जाएगा आपको। S22 निकालिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n by 2 n by 2 n a plus an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a आ रहा है ना, तो a तो हमें फाइंड आउट नहीं है, तो सबसे पहले a निकालेंगे। a कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला निकालते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, चला फॉर्मूला लगाते हैं कि नहीं। अब an की जगह A22 दिया गया है, A22 बराबर a प्लस n बराबर कितना है 22 है, 22 माइनस 1, और d का मान हमें दिया गया 7, ठीक है। A22 का मान भी दिया गया है 149 दिया गया है, a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 7, ठीक है। तो a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आ गया, 149। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे a बराबर 2 आ जाएगा, अरे भाई 149 में से 147 घटाएंगे तो 2 बराबर 2 ही तो बचेगा, और a का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। n का मान कितना है 22 है, क्योंकि n बराबर 22 दिया गया, तो 22 बाई 2। a का मान कितना है, a का मान 2 है, प्लस an का मान कितना हो जाएगा भाई, an का मान है, an मतलब A22 हो जाएगा, an मतलब A22 है, और यहाँ पे 149 होगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जब 22 यहाँ पे है तो हर जगह फिर n की जगह हर जगह 22 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 11 11, और इसका मान हो जाएगा 151, ठीक है। तो 11 कम 11 11 का 1 हासिल है 1, 11 55 56, 1 56 56 का 6 हसील है 5, 11 कम 11 5 16, 1661 आ जाएगा आंसर, देखें 1661 आ रहा है, जी हाँ 1661 आ रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये सातवां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये सातवां क्वेश्चन हो गया है, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा आप लोग। आठवां क्वेश्चन कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मगर बोल रहा है 51 पदों का योग, तो n बराबर यहां से हमें सीधे पता चल गया कि यहां पे हमसे बोल रहा है n बराबर 51 बोल रहा है, ठीक है। 51 क्या दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, 51 टर्म्स बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Sn है, Sn नहीं है, S51 है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और S51 मतलब n बराबर 51 दिया गया है, ये थोड़ा सा इंटरनल मामला है, ठीक है, ये चीज हमें पता करनी। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 12 और 18 हैं, जिसके सेकेंड टर्म मतलब कोई हमारे पास सीरीज है, मान लीजिए ये सीरीज का पहला पद है हमें नहीं पता, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, ठीक है। आगे सीरीज चलती जा रही है, और कितने टर्म्स तक चलती जा रही है, 51 टर्म्स तक चलती जा रही है। ये फर्स्ट पद, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, ठीक है। इसमें दिया गया है सेकेंड और थर्ड आपको दिए गए हैं, ये 14 है और ये 18 है, ये 14 है, ये 18 है, तो ये डी पता चल जाएगा कि नहीं, और डी पता चल जाएगा तो ए भी पता चल जाएगा। चलिए यहां से डी पता करते हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, अरे भाई सेकंड माइनस फर्स्ट होता है ना, तो इस चीज को लेकर के हम लोग डी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस यहां से सीरीज चालू करते हैं और डी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो 18 माइनस 14 बराबर 4 आ जाएगा। एक चीज तो हमें पता चल गई, डी बराबर हमें पता चल गया, लेकिन ए नहीं पता चला, अरे भाई ए भी पता चल जाएगा,
ए पता कैसे करेगा? देखिए अगर इसमें हम लोग डी निकालें, इस चीज में अगर हम लोग डी निकालें तो डी बराबर क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है कि नहीं होता है? इस चीज में निकाल लें हम डी, तो डी बराबर हमारा कितना निकला था, 4 निकला था। सेकेंड टर्म हमें पता है, सेकेंड टर्म कितना है, ये है हमारा 14, और फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, तो फर्स्ट टर्म हम निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म, तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो फर्स्ट टर्म बराबर 14 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म भी हमें पता चल गया यहां पे 10, तो ए बराबर यहां से हमें पता चल गया ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात यहां पे पता चल गई कि नहीं बेटा? बताइए, मैंने कुछ नहीं किया, एक सीरीज लिखी, सीरीज में हमें दूसरा और तीसरा पद पता था 14 और 18, यहां से हमने डी फाइंड आउट कर लिया। तो इस चीज डी हमेशा बराबर होता है ना, दो लगातार संख्याओं के लिए डी बराबर होगा, तो इसके लिए भी वही डी होगा। तो डी बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, निकला सेकंड टर्म हमें पता था 14 है, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता था, तो फर्स्ट टर्म हम यहां से निकाला 10 आ गया, तो यहां पे हमने रख दिया 10, और जो 10 है वही हमारा क्या है, ए है। ठीक, मतलब हमें एन पता चल गया, S51 निकालना है, डी पता चल गया, ए पता चल गया। अब सीधे फॉर्मूला रखिए और काम खत्म। Sn का फॉर्मूला रखिए, Sn बराबर n बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस an वाला फॉर्मूला लग नहीं पाएगा क्योंकि हमें 51वां पद नहीं पता, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए Sn कितना दिया गया, Sn मतलब 51 होता है, S51, तो S51 हमें नहीं पता, S51 यहाँ पे हमें नहीं पता, n बराबर कितना है, 51 है, तो 51 बाई 2, और 2a कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं। n माइनस 1, 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं। और d का मान कितना है, d का मान यहां से 4 है, तो मैं सीधे सीधे यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करते हैं, तो 50 चौको 200 और 220, तो यहां से सॉल्व करते हैं, तो 51 बटे 2 गुणे 220, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 110 आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे सॉल्व करके लिख रहा हूं, तो या S51 आ जाएगा 51 गुणे 110। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 11 एकम 11 11 55 56 56 110 आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, S51 जो होगा वो 5610 होगा, ये आपका था क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये था आपका 8वां क्वेश्चन, और चलिए अब 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, और नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ए एन ऑफ ए एन ए पी इज 49, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, हिंदी में भी बात करता हूँ, यदि किसी ए पी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, जो आपको एनसीईआरटी में है वही चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा मेथड बहुत आसान है, और दूसरा मेथड भी आप लोग समझ लीजिएगा। यहां पे दिया गया है कि जो प्रथम 7 पद है, फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है, उनका जो Sn है वो है क्या है, Sn S7 बराबर, S7 का मतलब होता है 7 पदों का योग, कितना है, 49 है। ठीक है, और बोला है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो S17 यहां पे दिया गया है कितना है, 289, ये चीज दी गई है। ठीक है, तो उसको Sn हमें फाइंड आउट करना है, Sn क्या होगा, Sn हमारा क्या होगा। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पे सेकंड तरीका पहले जानना चाहते हैं, जो थोड़ा सा आसान भी है और सीधे सीधे लग जाता है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं यहां पे चलता हूं सबसे पहले। ठीक है, तो Sn बराबर, आप पहले S7 पे चलते हैं। ठीक है, पहले S7 पे चलते हैं, तो स्टेप वन यहां पे डाल लीजिएगा, स्टेप वन। ठीक है, S7 के लिए चलना है, S7 के लिए, S7 के लिए, फॉर S7 यहां लिख दीजिएगा, फॉर S7। ठीक है, S7 में हमें क्या पता चलता है, n बराबर 7 है, n बराबर क्या है,
7 है। अच्छा यहाँ पे a बराबर नहीं पता तो हम a को a ही मान लेते हैं, और d बराबर भी नहीं पता तो d को भी d ही मान के चलते हैं और कुछ नहीं करेंगे। अब s7 का फॉर्मूला लाइए, s7 बराबर कितना हो जाएगा, n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d, यही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए करिए आगे, s7 कितना दिया गया है, 49 दिया गया है, यहाँ n by n का मान कितना है 7 हो जाएगा, 7 by 2, और a का मान a ही था, कुछ योग्य दिया नहीं गया है तो a का मान a ही लेके चलते हैं, और n का मान 7 है तो 7 minus 1 6d हो जाएगा। ठीक है, d का मान भी d ही रखा है हमने, जरा इसको सॉल्व करते हैं तो 7 एक कम 7, 7 और 7 49 हो जाएगा, और 2 जो है भाग में है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा गुणे में जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 14 बराबर 2a plus 6d हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए इसको हम रख देते हैं पहली क्वेश्चन मान लेते हैं, इस चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमने मान ली। ठीक है, स्टेप टू चलते हैं, स्टेप टू, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, एस 17 के लिए करेंगे, एस 17, ठीक है, एस 17 के लिए एन बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ए का तो मान हमेशा ए ही रहेगा और डी बराबर भी डी रहेगा। अच्छा आप पूछ रहे होंगे कि सर डी इसमें भी ए था उसमें भी डी रहेगा, उसमें भी ए रहेगा इसमें डी था उसमें भी डी रहेगा, क्यों ऐसा भाई, सीरीज तो एक ही चल रही है ना, सीरीज जब एक चलती है तो प्रथम पद जो है फर्स्ट टर्म कभी नहीं बदलेगा, फर्स्ट टर्म या फिर हिंदी में बोले प्रथम पद वो तो प्रथम पद ही रहेगा, और डी जो है जो कॉमन डिफरेंस है या सार अंतर है वो तो वही रहेगा, तो ए और डी कभी चेंज नहीं होंगे, इसलिए मैंने ए और डी यहाँ पे लेके चला है। यहाँ पे फॉर्मूला फिर से रखते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक, एस एन बराबर एस 17 लेके चलेंगे, एस 17 बराबर यहाँ पे n का मान 17 रख देंगे, 17 बाई 2, और 2a प्लस n का मान 17 रखिए तो 17 में से एक गया 16, d बचा। ठीक है, एस 17 का मान कितना था, एस 17 का मान बताइए 289 था, तो यहाँ पे 289 रख दीजिएगा, 289। ठीक है, तो 17 एकम 17 और 17 को काटेगा तो 17 बचेगा। ठीक है, 17 17 में जाएगा तो यहाँ पे 2 इधर था इधर जाएगा तो गुड़े में जाएगा, 17 दोना 34, 34 बराबर 2a प्लस 616d। ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब यहां से हम a और d निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, इन दोनों को सॉल्व करके भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि नहीं कि प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं, तो यहां हो जाएगा 14 बराबर 2a प्लस 6d, इसको जब माइनस करेंगे तो 24 बराबर 2a प्लस 16d हो जाएगा, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस में जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सारे साइन बदल जाते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके सारे साइन बदल जाएंगे, तो यहां पे साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो यहां कौन सा साइन आ जाएगा, यहां कौन सा साइन आ जाएगा बेटा, माइनस का जाएगा, यहां प्लस का है तो यहां साइन कौन सा जाएगा, माइनस का, यहां प्लस का है तो यहां साइन कौन सा जाएगा, माइनस का, अगर ऊपर माइनस होगा तो कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का जाएगा, साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 34 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा। ठीक है, और यहां पे से जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और जीरो से जीरो चला जाएगा तो डी बराबर 2 आ जाएगा, डी बराबर 2 आ जाएगा। जब डी बराबर 2 आ जाएगा तो डी का मान किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ए का मान भी आ जाएगा। ठीक है, हम यहां पे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, क्या पुट इन इक्वेशन 1, डी का मान पुट कर रहे हैं तो 14 बराबर 2a प्लस डी का मान रखेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 2a तो 2 एकम 2 a बराबर 1 आ जाएगा, यहां से हमें a बराबर 1 आ गया, d बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग sn आसान से ज्ञात कर लेंगे, sn हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, sn फाइंड आउट करना है, तो स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 बेटा, स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगी sn के लिए, तो sn के लिए n क्या होगा, sn के लिए n बराबर n ही रहेगा,
ए तो हमें पता चल गया, ए बराबर कितना है 1 है, और डी बराबर कितना पता चल गया 2 है। ठीक है, तो बस आराम से निकाल लेंगे, फॉर्मूला रखिए, सीधे निकालिए। एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह एन ही रहेगा क्योंकि हमें एस एन निकालना है, तो एन बाई टू रहेगा ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू ए 2 रह जाएगा, एन माइनस 1, और d का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है बेटा इसमें, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। n बाई टू, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, तो 2 कॉमन बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1। चलिए इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ अंदर। ठीक है, तो 2 प्लस 2 से अंदर गुणा करेंगे 2n माइनस 2। ठीक, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा आपका n बाई टू इंटू 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या एन स्क्वायर बचेगा, मतलब ये एस एन हमारा क्या बचा, एस एन हमारा आया एन स्क्वायर आया। ठीक, ये था काफ़ी बड़ा मेथड और ट्रेडिशनल मेथड जो आपके एग्जामिनेशन में आपको करना होगा। ठीक है, एक और तरीका है जो आप कर सकते हो, लेकिन पूछ लीजिएगा कि जो है वो मेथड अप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, वैसे वो मेथड सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए ये चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप मैंने करी है और इसमें आप सब समझ में आ रहा होगा। मैंने सबसे पहले एस एन के लिए एक फॉर्मूला लिखा के लिखा, फिर मैंने एस 17 के लिए फॉर्मूला लगा के पूरा किया। यहाँ से हमें 2 इक्वेशन आ गए, ये पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन, और पहली और दूसरी इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो ए और डी के मान आ गए। अब हमने फिर एस एन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, एस एन के लिए फॉर्मूला लिखा और सारे मान लिखते लिखते हमारा आंसर आ गया एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये 19वां नहीं है, नवा क्वेश्चन है। ठीक है, नवा क्वेश्चन है। अब मैं इसी को दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, दूसरे मेथड से। ठीक है, दूसरे मेथड से और बहुत आसान है, दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। इसको आप नोट कर लीजिएगा आराम से, पॉज करके वीडियो को। अब मैं इसी चीज को एक दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे आपके सामने एस एन दिया गया है और 49 दिया गया है। ठीक है, एस 7 दिया गया, एस 7 बराबर कितना है 49। अच्छा, 49 किसका होल स्क्वायर होता है, तो 49 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहां पे एस 7 बराबर 7 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा 289 को क्या लिख सकते हैं, 289 को लिख सकते हैं बेटा 17 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो S17 बराबर कितना है 17 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह SN बराबर कितना आ जाएगा भाई, SN बराबर भी आ जाएगा N का होल स्क्वायर, जो चीज यहां पे है उसी का होल स्क्वायर आ रहा है। देखिए 7 है तो 7 का होल स्क्वायर आ रहा है, 17 है तो 17 का होल स्क्वायर, तो N होगा तो क्या आ जाएगा, N का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये एक अप्रोच है। ठीक है, ये एक अप्रोच है जो इनके तौर पे हमने इस चीज में लगाई है। ठीक है, तो ये नवा क्वेश्चन इस तरह से था। चलिए, नवा क्वेश्चन हो गया और अब हम लोग चलते हैं दसवें क्वेश्चन पे। दसवें क्वेश्चन में कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, दसवें क्वेश्चन को करते हैं और दसवें क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या चीज है, लेकिन बहुत ही आसान आपको है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन करते हैं। दसवां क्वेश्चन क्या है, दिया गया है शो दैट ए वन ए टू ए थ्री, ऐसे करते करते ए एन तक एक सीरीज दी गई है, वेयर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, ए एन एक डिफाइंड किया गया है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। देखिए इसमें क्या है, एक कुछ नहीं दिया गया है, आपसे बोला गया है कि सीरीज होती है ए वन ए टू ए थ्री करते करते ए एन सीरीज, ये। ठीक है, और ए एन हमें पहला, इसका अगर हम बात करें दसवें का पहला जो है वो हमें दिया गया है, ए एन बराबर कितना दिया गया है भाई, 3+4n दिया गया है। ठीक है, ये चीज हमें दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, लेकिन पहले ये चीज समझिए, ये चीज है क्या, जो ऊपर सीरीज दी गई है वो चीज है क्या, उसको समझ लेते हैं। अच्छा, यहां पे पहले ये चलिए, ये जो an होता है
एन का मतलब क्या होता है बताइए। आप लोग बोलोगे सर एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, क्योंकि यही आपने बताया है, ठीक है। लेकिन बेटा एन का मतलब आखिरी पद नहीं होता है, एन का मतलब सिर्फ आखिरी पद नहीं होता है, एन का मतलब होता है ये जो एनवा बात है, ये जो एन आख ये दिया गया है, इसका मतलब होता है ये एनथ टर्म, एनथ टर्म। वो कई क्वेश्चन में आखिरी वो बन जाता है वो बात अलग है, लेकिन एन का जो असली मतलब होता है वो होता है एनवा पद होता है, ठीक है। अगर हम इसमें एन की जगह वन लिख दें, एन बराबर वन ले लें, एन बराबर वन ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये ए वन हो जाएगा, ए वन। ए वन का मतलब ये हुआ कि ये पहला पद, वन का मतलब हुआ कि जो है भाई पहला पद हो गया, ठीक। तो वही ए वन क्या है, पहला पद। अगर हम n बराबर दो ले लें, n बराबर एक की जगह दो ले लें, तो ये a2 हो जाएगा, a2 का मतलब हो जाएगा दूसरा पद, क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। इसी तरह हम a n की जगह तीन ले लें तो a3 का मतलब हो जाएगा तीसरा पद, थर्ड पद, तीसरा थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे का पद नहीं समझ आ रहा होगा, टर्म समझ में आ रहा होगा, थर्ड टर्म, ठीक है। बस यही मतलब है बेटा, और कोई मतलब नहीं है। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं उसको, और समझ में आ रहा होगा, ये चीज लिख लीजिएगा आप लोग, कोई भी चीज मैं जो फालतू नहीं बताता हूं, ठीक है। तो इस चीज लिख लीजिएगा, यहां पे हमें पहली चीज दी गई है, क्या दिया गया है, ए एन बराबर, ये चीज दिया गया ए एन बराबर थ्री प्लस फोर एन, थ्री प्लस फोर एन दिया गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो एनवा पद है जो हमारे पास ये दिया गया है, ये 3 प्लस 4n है। अगर हमें पहला पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहला पद क्या निकालना होगा, पहला पद या फिर फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म अगर हमें निकालना होगा तो हम यहां पे n की जगह 1 ले लेंगे, n की जगह क्या ले लेंगे, यहां जो n था वहां 1 ले लेंगे। जब यहां 1 ले रहे हैं तो जितने भी n होंगे वहां 1 लिख देंगे, तो 3 प्लस 4 इंटू यहां n की जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। इसी तरह दूसरा पद लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, दूसरा पद या सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा बेटा, ए टू हो जाएगा, क्योंकि n की जगह हम क्या ले रहे हैं, n की जगह क्या ले रहे हैं, 2 ले ले रहे हैं, तो दूसरा पद हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 इंटू एन की जगह 2 ले लेंगे, 2, तो 4 दूनी 8 और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह ए3 ले लेंगे, ए3 मतलब तीसरा टर्म, तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 तीन 12 और 12 तीन 15 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगी 7 11 और 15, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब हमारी जो एपी सीरीज होगी, अगर आपसे पूछा जाए इसकी एपी सीरीज क्या होगी, तो एपी सीरीज हम यहां से बता सकते हैं कि एपी सीरीज हो जाएगी 7, 11, 15, करते 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 करते, और यहां एन है तो एन का मान यही होगा बेटा, एन का मान 3 प्लस 4 एन होगा, क्योंकि एन एन का मान को भी डिफाइन नहीं हो सकता ना, एन का मान एन ही रहेगा, इसलिए यहां पे मतलब 7 11 15 ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब 7 11 15 सीरीज बढ़ती जा रही है तो यहां से इस सीरीज से क्या पता चला, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 7 हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो डी बराबर कितना, अरे सॉरी, डी बराबर कितना हो जाएगा भाई, डी बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। ये चीज है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 नंबर, पहले 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, S15, यहां पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहां पे हमें फाइंड आउट करना है S15, हमें फाइंड आउट करना है। अगर S15 फाइंड आउट करना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 15 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 15, ठीक है। अब हम लोग अगर S15 निकालते हैं, S15 निकालिए, S15 का फॉर्मूला रखिए, निकालिए, कुछ काम खत्म। S15 बराबर यहां हो जाएगा a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा।
S15 का मान कितना होता है? S15 का मान तो S अभी निकला नहीं है, तो वही निकालना है। तो 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस N का मान 15 माइनस 1 और D का मान 4। ठीक है, तो 7 दूनी 14 प्लस 15 में से गया 14 गुणे 4। ठीक है, यही हो जाएगा 14 चौको 56 और 56 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा एन बाई टू। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती क्या करी है भाई, मैं कहूँ इतना आसान कैसे आ गया। तो एन बाई टू, एन का मान कितना हो जाएगा? 15 बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो 15 बाई टू, तो 7 दूनी 14 प्लस 14 चौको 56 और 56 प्लस 14 कितना हो जाएगा? ये 60 और 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करिए, 0 हो जाएगा, 15 सत्ते 15 कम 15 तो देख लीजिए, 45 चौका 60 मतलब 94 96 सत्ते 105 बटे 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10 5, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 525 आ रहा है। देखिएगा कितना आ रहा है भाई, 525 आ रहा होगा आपका। ठीक है, और देख लीजिएगा कितना आ रहा है, 525 ही आना चाहिए। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा 525 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने दसवें का पहला कराया है, दसवें का दूसरा भी सेम उसी तरह होगा। ठीक है, दसवें का दूसरा भी सेम उसी तरह होगा। मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए दसवें का दूसरा क्वेश्चन, ये चीज मैं मिटा देता हूं और ये भी चीज मैं मिटा देता हूं। दसवें का दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है आपके सामने दिया गया है, an बराबर n 9 माइनस 5n ये दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां पे an बराबर कितना आ जाएगा? a1 कितना आ जाएगा? यहां पे 1 रख दीजिएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1। ठीक है, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। 9 माइनस ए 3 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 मात यही 15 और यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 माइनस 6 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब चलिए हम लोग निकालते हैं S15 निकाल लेते हैं और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीरीज जो है, सीरीज बनेगी 4 माइनस 1 माइनस 6, ऐसे करते करते ये आपकी बन जाएगी 9 माइनस 5n बचेगी। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है S15 निकालना है। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें S15 निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो n बराबर कितना है? 15 है। सेम फॉर्मूला लिखिए, Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये फॉर्मूला रखिएगा और आंसर निकालिएगा कितना आ रहा है। मैं चलिए करता हूँ आपके साथ कितना आ जाएगा। तो S15 निकालना है ना हमें, तो 15 बाई 2 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 15 में से 14 जाएगा और d बराबर कितना है? d बराबर यहाँ से निकालते हैं तो d बराबर आ जाएगा, d बराबर माइनस 1 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये d बराबर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, d बराबर आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 4। ठीक है, तो माइनस 1 और माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 5 हो जाएगा। d बराबर यहाँ पे माइनस 5 आ रहा है। ठीक है, d बराबर माइनस 5 लिखिएगा और 15 बाई 2 8 प्लस 14 पंचे 70। ठीक है, माइनस का 70 हो जाएगा और 15 बाई 2 70 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 60 और 2 62। ठीक है, माइनस का 62 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 3 6 2 कम यहाँ माइनस का आ जाएगा, 15 कम 15 15 का 5 हासिल है 1, 15 कम 15 45 1 46 माइनस 465 आ रहा है क्या? ठीक है, देखिएगा माइनस 465 आ रहा होगा आपका आंसर, और अगर ये आ रहा है तो यही सही आंसर होगा आपका। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो, A1 निकाला है, A2 निकाला है, ऐसे आप A15 भी निकाल सकते हो। जैसे अगर हमें S15 निकालना है तो A15
A15 यहाँ कहीं निकलेगा, यहाँ पे A15 निकाल लो आप, A15 निकाल लो तो सेकंड वाला फॉर्मूला माफ कीजिएगा, यहाँ पे सीधे फॉर्मूला सेकंड वाला लगा सकते हो, SN बराबर N बाई टू ए प्लस A15 वाला, तो यहाँ से ये भी चीज भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है, एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हो, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप कितना इमेजिन कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 मैंने आपको पूरी करा दी है, अगर आप लोग 11वां 12वां 13वां 14वां क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके वो बेसिकली पेपर्स में नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे ट्राइंगल्स पे, ठीक है। तो ट्राइंगल्स पे चलेंगे और तब तक ये चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।